अपने मम्मी पापा को ततोएगा, हम तो डाला है भाई। बाइक में जो मजा आता है ना, बस में कहीं नहीं आएगा, मेरे को कभी नहीं आता है। और बस जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट टैक्सी बस है। देखो ऐसे हाथ पकड़ लीजिए, नहीं जाने देगा। हम जा रहे हैं स्नो, टाटा। बढ़िया सर, राम रक्षा। ओ भाई भाई, स्नो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच बॉबी, हमको आपके घर में डेना है बसने के लिए। एक दिन दिया, दो दिन दिया, दिल से शुक्रिया। हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। बॉबी का हंसा ही जो है ना, एकदम किलर है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आज ब्लॉग कर रहे हैं, काफी दिनों बाद यहाँ पे रॉक है, प्लस प्रेम भाई भी है, सबको अपना भाई लोग आए हुए। इन लोग कल में आया था, वैसे मैं इंस्टाग्राम में स्टोरी वगैरह तो अपलोड किया ही हुआ था। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो आप लोग, इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो बॉबी को। अरे अब तो कर लो, तो इंस्टाग्राम में जो है वो फॉलो कर लीजिए आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक बार हंस देता जब से मैं आया हूँ, जब से इन लोग से मिला हूँ ना, तब से कैमरा ही कैमरा है। ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है, ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है, ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है। मतलब गजब का है, मतलब जब सीनेरियो है ना, अगर हम लोग कहीं पे विजिट कर रहे हैं तो गजब का सीनेरियो देखने मिल रहा है। सब लोग को जो है, कौन है लोग, कौन सा सेलिब्रिटी आ गया, सारा वही यही हो रहा है। पूरी वगैरह कुछ खाते हैं और फाइनली अपना जो है आरआरआर का फर्स्ट डे का फर्स्ट शो, हम लोग का टिकट जो है ऑनलाइन बुकिंग हो चुका है, तो जाते हैं अभी। मूवी वगैरह देखेंगे फर्स्ट, जो भी इंजॉय करेंगे। इसने तो सोने नहीं दिया हम लोगों को, इसका तो बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। तो पहले हम लोग खाना पीना खाते हैं, खाते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने हम लोग के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे सब कोई रेडी हो रहा है, सब रेडी ऑलमोस्ट हो चुका है। इसमें तो नहीं जा सकता है, देखिए शूज वगैरह लगाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। टाइम हो चुका है 12:30, एक बजे का शो है, हाफ एन आवर टाइम बचा हुआ है। देखते हैं जो भी होगा, अप टू डेट आपको किया जाएगा, स्टे ट्यून रहे। वो भी देखते हैं, आपको बताते हैं। सारे हम लोग दोस्त लोग हैं, सारे ब्लॉगिंग कर रहे हैं यार। सारा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहले चलते हैं आईनॉक्स में, 1 बजे का शो है, 1:10 यहाँ पे पहले ही हो चुका है। और लेट नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं, इंजॉय करते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं। तो फाइनली हम लोग मूवी वगैरह देख के आ गए। मूवी जो है काफी ज्यादा जबरदस्त, मैं ज्यादा स्पॉइलर वगैरह तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन एक ही चीज बोलूंगा, जाके आप लोग जो है जरूर देखिएगा। एकदम पैसा वसूल हो गया हम लोग का, जो आईनॉक्स का पैसा जितना भी लगा ना, पैसा वसूल होने वाला मूवी है। तो आपका पैसा जो है वेस्ट नहीं जाएगा। अगर एक्शन की बात करो या फिर सिनेमेटिक्राफिक बात करो या VFX की बात करो, आपको फील ही नहीं होगा कहीं पे ऐसा ऐसा VFX यूज किया हुआ है। रघु भाई कस तो भी मूवी मूवी कैसा लगा? मूवी देखा ना, कुछ कुछ जो सीन था ना, लाइक गूज़बम्प्स निकल रहे थे मेरा। और ये मूवी ना पूरा ब्लॉकबस्टर हिट होगा ये। तो इस तरह ये मूवी तो काफी ज्यादा सही था, आप लोगों को देखना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा, जरूर जाके देखिएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, रॉक जो है वो जाने वाला है यहाँ से कोलकाता। तो अभी हम लोग जाएंगे, इसका बस वगैरह का टिकट वगैरह देखेंगे क्या सिस्टम क्या चल रहा है। तो बस वगैरह का टिकट वगैरह करते हैं और भाई लोग को जो है रवाना करते हैं कोलकाता के लिए। चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग सिलीगुड़ी जंक्शन आ चुके हैं। ये मेरा बाइक जो है वहाँ पे पार्किंग में हम लोग लगा दिए हैं। और अंकित और जो प्रेम है वो तो टोटो में आ रहे हैं, तो उनको टाइम है, हमें बोला लेट हो रहा है भाई बाइक से चल, फटाफट हम लोग टिकट वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद 5 मिनट मतलब होता है ना पहले पहुंच जाए वो सही रहेगा, 5 मिनट अगर लेट हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो ये लोग का कल तो ट्रेन बस गया ही गया, आज भी छूटेगा तो सीधा साला घर चला जाएगा। बाइक कैंसल। हम लोग गए थे समोली में, लेकिन वहाँ पे 3-3 बस है और किसी में भी एक भी टिकट खाली नहीं है। एक टिकट खाली है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे 3 जन जाने वाला है, एक ही सीट है और 3 जन जाने वाला, तो वो तो कैंसिल हो गया। और कोई भी वॉल्वो कोई भी AC में टिकट वगैरह नहीं है। अभी नॉन AC में स्लीपर में हम लोग को जो 3 सीट मिला है, अंदर ही अंदर गाली तो नहीं दे रहे बोला दिखाएगा हाथी, दिखाया चीटी, सपना दिखाया था हाथी का। चल भाई ठीक है, अभी मैं एक्चुअली और थोड़ा देर रहूंगा, लेकिन ये है GoPro के लिए काम हो जा रहा है अपना। GoPro कार बैंक हेडफोन चल, बहुत सारी मदद की हमको। अरे ब्रो कोई कभी भी मिलते हैं 18-20 दिन बाद हम लोग जाएंगे कुछ खतरनाक डिलीवरी लेने, और उसके टाइमिंग मिलेंगे। ठीक है अंकित, डिलीवरी के लिए जाना है। हाँ पेट से है ना, पेट से। चल ठीक है प्रेम भाई, मिलते हैं फिर कभी 15-20 दिन बाद। अभी यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि मैं गया था एक्चुअली हेलमेट खरीदने के लिए मार्केट साइड, ठीक है।
मार्केट में मैं घुसा भी नहीं था दुकान में कि वहां से मेरे को रॉक का फोन आता है कि भाई मैंने ना तेरा टिकट कर दिया है बस का, तू आज ही निकल रहा है कोलकाता। इसलिए मेरे घर में मेरा मम्मी भी गुस्सा में है क्योंकि मम्मी को जाना था जयगांव और मेरे को जाते हुए आते हुए मतलब 5-6 दिन आराम से इजिली लग जाएंगे। कोलकाता जा रहा हूँ, उसका बाइक जो सुपर बाइक जो भी पता नहीं, मेरे को तो पता है लेकिन मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूंगा कि कौन सा बाइक है, सुपर बाइक लिया है तो उसको लेके आने के लिए, क्योंकि उसके पास जो है अभी लाइसेंस वगैरह तो है नहीं तो इतना दूर वो चला नहीं सकता है, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा, प्रो राइडर ही अभी जा रहा है। मेरी मम्मी जो है ना भड़की हुई है क्योंकि अचानक से सारा कुछ प्लान हुआ। रॉक देख ले भाई तेरे लिए ना अभी यहाँ पे डाक खा रहा हूँ, अचानक से बोलेगा तो होगा क्या। फटाफट 6:30 बजे का मेरा बस है और 5:30 यहाँ पे हो चुका है। आधा घंटा में मेरे को जैसे भी रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ेगा, वहीं से मेरा बस है, जो भी होगा डिटेल आपको जो है मैं शेयर करूँगा। तो ये जो ड्रेस है ये ड्रेस में तो जाऊँगा नहीं, सीधी सी बात है बस में जा रहा हूँ, तो एक नॉर्मल सा ट्रैक पैंट लगाता हूँ और स्लीपर पहनते हैं और टी शर्ट पहन के निकल जाते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, चलिए सब कुछ कर दीजिए, अभी हम लोग निकलते हैं। सबसे ज्यादा इसी को मिस करूंगा यार स्नो। स्नो आप किसके साथ सोएगा? अपने मम्मी पापा को तो सोएगा, हम तो दाला है। एक्चुअली मेरे साथ में मेरे बिस्तर पे ही सोता है, लेकिन आज से मम्मी पापा के साथ में सोएगा ये बेचारा। देखो ऐसे हाथ पकड़ लीजिए, नहीं जाने देगा। हम जा रहा है स्नो, टाटा। कैसे देख रहा है, टाटा। एक चीज़ तो अच्छा हो गया कि मैं जो है हम जो है टाइम पे पहुंच गए हैं यहाँ पे, बस मेरा पीछे ही लगा हुआ है। पहले सोचता हूँ कुछ खाने पीने के लिए ले लूँ, क्योंकि घर से निकला हूँ तो खाने पीने के लिए कुछ भी खाया पिया तो हूँ नहीं, तो यहीं पे जो है भैया का शॉप में जो है बिस्किट वगैरह कुछ ले लेता हूँ। और बस अपना जो पीछे लग गया है, सीट भी मिल गया, बैग भी रख दिया वहीं पे पीछे में। 6:30 बजे बस निकलेगा। तो अगर आप कोलकाता जाते हो या फिर कोलकाता से भी अगर आते हो सिलीगुड़ी, तो मेरे को वन ऑफ द बेस्ट मतलब यही बस लगता है। उसके वजह से मैं इसी में जब भी जाता हूँ या आता हूँ, इंस्टाग्राम में पहले से फॉलो करके रखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। एक बार मैं बाहर से दिखाई देता हूँ, आप इस बस में इजिली रिकमेंडेड है, आराम से आप जाके आ सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना बैग एक्चुअली रखा हुआ था, अब इसको सीट का नीचे डाल देगा और एक छोटा पतला वाला ब्लैंकेट भी है तो उसको निकाल लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंकेट नहीं मिलता। पहले मिलता था जब मैं एकदम पहले ट्रैवल करता था तो ब्लैंकेट मिलता था, कोई कारण की वजह से अब नहीं मिलता है। तो सामने भी सीट मिल रहा था लेकिन क्या है ना विंडो नहीं मिल रहा था, तो अपने को चाहिए था विंडो सीट क्योंकि बाहर का नज़ारा दिखना पड़ता है, थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाना पड़ता है तो मज़ा आता है। टाइम तो अभी 8 बज रहा है, 8 बजने में बस 15 मिनट बचा है। सुसु के लिए रुका हुआ है, बहुत ज़ोर से मेरे को लगा हुआ था, पता नहीं कहाँ रुकेगा उस टाइम से सोच रहा था, तो फाइनली रुक गया है पेट्रोल डालने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ सुसु वगैरह कर लूँ, यहाँ पे वॉशरूम भी है, तो फाइनली हो गया एक नंबर। तो हो गया, अभी चलता हूँ बस में बैठता हूँ क्योंकि खाना भूख तो बहुत तगड़ा लगा हुआ है, अब बस में रुकेगा अभी खाना खाने के लिए। अभी इस्लामपुर पहुँचने वाला है भाई, मैं किशनगंज पहुँचा हूँ बाइक से अपना डोमिनार से 54 मिनट में सिलीगुड़ी से। देखते हैं ये किशनगंज कितने बजे तक पहुँचाता है, आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, फिर भी देखते हैं एक बार, एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा। काफ़ी सही बस है, तो भैया ने 20 रुपये का इतना ही दिया, काफ़ी छोटा सा है लेकिन चलेगा भाई। एक पेट्रोल पम्प में आपको झालमुड़ी खाने मिल जा रहा है तो और क्या चाहिए। तो ये देख लो अभी यही होगा टाइम पास, कहीं पे लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा लेकिन आई थिंक सो दालखोला पहुँच चुके हैं, लगभग 9:30 हो चुका है। और ये देखो यहाँ पे एक्चुअली अभी डिनर के लिए रुका हुआ है, तो देखते हैं क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जो भी खाएंगे पिएंगे, भूख तो बहुत तगड़ा लगा हुआ है लेकिन देखते हैं खाने में क्या मिलता है। रोटी वगैरह ही कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जस्ट भूख लगा है, 20 मिनट के लिए बस रुका हुआ है। तो लो भाई डिनर तो आ चुका है फाइनली, अपना रोटी और अंडा वाला तड़का, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जो भी है खा लेते हैं क्योंकि अभी भूख तो बहुत तगड़ा लगा हुआ है और खाने के लिए यही है। हम चलो ठीक है, पेट भरने लायक है तो खाता हूँ, उसके बाद जो होगा बताऊँगा। भाई बाइक में जो मज़ा आता है ना बस में कहीं नहीं आएगा, मेरे को कभी नहीं आता है। मैं एक्चुअली जाने से बाइक में ही जा सकता था लेकिन वहाँ से एक बाइक मेरे को लेके भी आना है, चलाते हुए भी लेके आना है, सुपर बाइक है। आप लोग गेस करते रहो कमेंट सेक्शन में कि कौन सा मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, लेकिन अगर इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि मैं कौन सा बाइक लिया हूँ। ब्लॉग थोड़ा लेट ही आ रहा है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पर पता चल चुका होगा मैं बाइक जो है कौन सा लेके आया हूँ, वहाँ पर रेगुलर अपडेट रहता है स्टोरी के थ्रू, तो वहाँ पर फॉलो कर लो। फिलहाल बस तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख ही रहे हो, काफ़ी शानदार जो है बस है। निकलता हूँ, खाना पीना हो चुका है, जब बस निकलेगा मैं भी निकलूंगा। फाइनली जो
7:20 में बस जो अपना पहुंचा दिया, ये रहा सामोली और ये रहा रॉक भाई अपना आ चुका है यहाँ पे अपने दो दोस्तों के साथ में। देखो हालत तो ठीक ही है, अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, बस का सफर काफी सही था। बस तो सा केटा बढ़िया सा राम रो सा ओ बॉबी भाई गुड मॉर्निंग बॉबी वो नेपाली बाबू नेपाली दाजु सब खत्म है राम रो नेपाली आता है कि नहीं आता है आता है आता है टूटा मुटा आता है टूटा मुटा चलो सेम सेम कैटेगरी सेम कैटेगरी ये है भाई नान ओके ओके रमेश बॉबी ये है बॉबी हाउस फिलोरी का नंबर 1 यूट्यूबर ये कोलकाता का नंबर 1 ये साला भिगा के मारता है लेकिन ये नेपाल का फेकता है भिगा के वाला मारता है लेकिन मैच फाइनली लाखों सालों और बाद बॉबी से मिल चुके हैं फाइनली हम लोग मिल चुके हैं। पहले तो जाते हैं फ्रेस वगैरह होते हैं उसके बाद जो होगा तुम तो सोए होंगे 3 घंटा 2 घंटा हम तो टेंशन में बॉबी आ रहा भाई उसके लिए रात भर नहीं सोया है ये रात भर नहीं सोया रात भर मेरे से कॉल पे ही बात किया है सोया ही नहीं है और मैं 3 घंटा सोया हूँ 12 बजे से 3 बजे तक 3 बजे कुशीनगर में रुका था तो वहीं पर मतलब चाय वगैरह मैं पिया था उसके बाद नींद नहीं आया पता नहीं क्यों नींद एकदम नहीं आया अभी चलते हैं पहले घर पे फ्रेस वगैरह होता हूँ उसके बाद मिलता हूँ मैं लाई बारी लाई